टैक्स अलर्ट्स अपने मोबाइल पर। जी सर, क्या मैं अब निकल जाऊं? काफी देर हो चुकी है, मैं बहुत थक चुकी हूँ। टू टायर्ड। जी जी, प्रेजेंटेशन बिल्कुल तैयार है, फिक्र नहीं करें, कल सुबह आते ही मैं आपको दिखाऊंगी। जी, खुदा हाफिज़। हेलो, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? शामी राज नहीं मिल सकती, बहुत थक गई हूँ। प्रेजेंटेशन बनानी, कल बॉस ने कहा है देनी उन्हें हर हाल में, घर जाकर वही बनाऊंगी। हाँ, बस घर के लिए निकल रही थी। आज नहीं, कल या परसों मिल लेंगे। ओके, खुदा हाफिज़। बच्चा जा। सलाम साईं। ओए, कभी कोई काम भी कर लिया करो। नौकर हूँ साईं, कोई गलती हो गई। खाद नहीं पहुंची है अभी तक और तू कचहरियां करता फिर रहा है, फसलें तबाह कराएगा मेरी। साईं, ट्रांसपोर्ट की हड़ताल थी इसलिए देर हो गई। बकवास करता है मेरे सामने, शहर जा, देख अगर ट्रक मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अपने सर पे लात के लात खाद की बोरियां। जी सही। चला। क्या अकलमंदी का सबूत दिया है तुमने? एक देहाती ही पसंद आना था तुम्हें, एक देहाती से शादी करोगी तुम? शामिर, ऐसा नहीं है, आप एक दफा उससे मिलकर देखें, वो अच्छा है। ऐसा नहीं है। और अम्मी, वो लैंडलॉर्ड है। नेवर! मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं उसकी मनहूस शक्ल देखूं। तुम्हारा बाप भी लैंडलॉर्ड था, भूल गई हो तुम? क्या दिया उसने हमें? छोड़ के चला गया तुम्हें, मुझे, जागीरदार, नवाब, लैंडलॉर्ड, माय फुट। अम्मी, सब एक जैसे नहीं होते, अब ऐसे भी कोई बहुत बड़ा नवाब या जमींदार नहीं है। अच्छा, अब वो बहुत बड़ा नवाब जमींदार नहीं है, जाहिल जाहिल ही होता है, बड़ा या छोटा नहीं होता, मेंटेलिटी एक ही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे
जरा सा भी अंदाजा होता कि मेरी सादतमंद बेटी इतनी खुदगर्ज हो जाएगी तो ऑनेस्टली नबीला मैं तुम्हें कभी इतनी आजादी ना देती, कभी तुम्हें यूनिवर्सिटी ना भेजती, कम से कम जॉब करने की इजाजत तो बिल्कुल ना देती। मैं आपसे इजाजत मांग भी नहीं रही, ना ही मुझे आपकी इजाजत चाहिए। मैं खुद मुख्तार हूँ, अपने फैसले खुद कर सकती हूँ, और मैं आपका कोई पालतू जानवर नहीं हूँ जिसके गले में पट्टा डाल के रखना चाहती हैं आप हमेशा। मैंने कोई पट्टा नहीं डाला है, तुम्हें पालतू जानवर नहीं समझा है कभी भी। हाँ, लेकिन शायद तुम ऐसी ही जिंदगी चाहती हो, बैकवर्ड, पाबंदियों वाली, जागीरदाराना निजाम चाहती हो। देख लो एडजस्ट कर लोगी तुम? हमी मैं एडजस्ट कर लूंगी, और औरत को हर हाल में एडजस्ट करना ही होता है, और अगर आपने एडजस्ट कर लिया होता ना तो आज मैं अपने बाप की मोहब्बत से महरूम ना रहती। तो मुझे ताना दे रही, तुम ताना दे रही हो मुझे, अपनी माँ को, सारी जिंदगी अकेले तंग तन्हा तुम्हारी परवरिश की है। औरत को हमेशा समझौता करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है उसे कुदरती तौर पे, चाहे वो माँ हो, बेटी हो या बहन हो। समझ रही हूँ तुम्हारे तंज को, लेकिन मैंने तुम्हारे बाप को नहीं छोड़ा था बीबी, उन्होंने तलाक दी थी मुझे, वरना कबीले की सरदारी निकल जानी थी उनके हाथ से। अपने बाप के प्रेशर में आकर दूसरी शादी की थी उन्होंने, और अकेला छोड़ दिया था तुम्हें और मुझे, क्योंकि उन्हें हम दोनों से ज्यादा अपना तख्त अजीज था। जानती तो हो तुम सब कुछ। अम्मी मैं कुछ नहीं जानती और ना ही कुछ जानना चाहती हूँ, मगर मैं सिर्फ और सिर्फ शामिर से शादी करूंगी, और आपको उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा हर हाल। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम मेरी तारीख दोहराओ। मुझे आपकी तारीख से कोई गर्ज नहीं है, मैं अपनी तारीख खुद लिखना चाहती हूँ, एक नई तारीख, एक नई मिसाल। क्यों साईं, आप शामिर साईं पे शक क्यों कर रहे हैं? एक ही तो बेटा है हमारा, क्या कर दिया इसने? कुछ ना कुछ करेगा जरूर, ये मुझे नहीं मालूम, मगर उसके तेवर कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। जब भी नसरीन का नाम आता है मौजू बदल देता है, और जब शादी की बात करता हूँ तो टाल जाता है। आखिर क्या वजह? साईं तजुर्बा हासिल करना चाहता है। बता रहा था कि शहर में फैक्ट्री लगाएगा, साइंस को तालीम दिलाइए तो फायदा तो उठाए ना। ओ, कोई जरूरत नहीं है फैक्ट्री की, कारखाने की, जमीनें हैं हमारे पास, कोई कमी नहीं है। और मुझे बड़ी शर्म आती है जब लोग बातें बनाते हैं कि वडेरे गुल मोहम्मद का बेटा शहर में नौकरी करता है। साईं तजुर्बा हासिल कर रहा है, कह रहा था कि फैक्ट्री लगाने से पहले तजुर्बा हासिल करना जरूरी है। दिमाग खराब हो गया है शामिर का, तुम्हें सब कुछ बताता है और मुझसे छुपाता है। डरता है सही, आप नरमी से पूछेंगे ना तो कुछ भी नहीं छुपाएगा आपसे। और लेकिन शादी तो कर ले नसरीन के साथ, बाद में करता रहे तजुर्बा। आप क्यों जल्दी कर रहे हैं साई? वो अपनी बेटी का भी सोच लिया कर फातिमा। साई जरीना बाद में भी रुखसत हो सकती है, मुझे कोई फिक्र नहीं उसकी। लेकिन मुझको है, सुलेमान जब भी मिलता है यही कहता है, आज भी उसने यही बात की थी, मिला था मुझे जमीनों पे। तो ठीक है, पहले हम जरीना को रुखसत करते हैं, शामिर की शादी बाद में होती रहेगी। और नहीं फातिमा, समझो, सुलेमान की शर्त है कि पहले शामिर उसकी बेटी को रुखसत करके लाएगा, फिर वो कासिम की बरात लेकर आएगा जरीना को ले जाने के लिए। अच्छा। वो सुलेमान का मिजाज तुम जानती हो, वो गुस्से में आता जा रहा है,
कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, आखिर वो बहनोई है मेरा। समझती हूँ साईं, वट्टे सट्टे का यही तो मसला है। अगर कोई गड़बड़ हुई तो सलमान कहीं मेरी बहन को ना छोड़ दे, कह चुका है वो मुझसे, खबीस है एक नंबर का। प्लीज अपना फोन ऑन कर प्लीज। तुम कहाँ चले गए? फोन क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? तुम कहाँ पर हो? तो सिर्फ अपने भाई और भतीजे के बारे में सोचना, अपनी औलाद की फिक्र नहीं है तुझे? नसरीन तेरी बेटी नहीं है ना? ऐसी बात नहीं है सही, नसरीन के पैदा होने से पहले अदा गुल मोहम्मद ने मांग लिया था उसे चामीर के लिए। आप दोनों खाम खामे परेशान हो रहे हैं, आज नहीं तो कल वो बारात लेकर जरूर आएगा। माँ माँ कभी तो आंखें खोल लिया कर, कितनी भोली है तू। 10 महीने हो गए, 10। शामीर ने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई, कब आता है कब जाता है कुछ पता नहीं। तेरी समझ में बात कब आएगी? जवान लड़के अपनी मंगेतर को देखने के बहाने ढूंढते, मुझे तो कोई खतरा महसूस हो रहा है। कैसा खतरा सही? अम्मा शामीर का दिल शहर में क्यों लग गया? कोई तो वजह होगी ना, अब तो उसकी तालीम का बहाना भी खत्म हो गया है। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं हमारी नसीन घर में ना बैठी रह जाए। अल्लाह ना करे साईं। अगर ऐसा हुआ तो अम्मा मामा गुल मोहम्मद के घर भी जरीना बूढ़ी होकर मर जाएगी। हाँ आप दोनों को खामखा में वहम हो रहा है, अगर ऐसी कोई बात है तो हम अदा गुल मोहम्मद से जाके बात कर लेते, बल्कि कल ही चलते हैं उनके पास। अरे नबीला तुम सीधा यहाँ आ गई, ऑफिस नहीं गई क्या? एक्सक्यूज मी नबीला, नाराज हो क्या? कल शाम से तुमसे बात नहीं, तुम मुझसे पूछो कि मैं तुमसे नाराज हूँ? चलो इधर बैठ के बात करो, आओ बैठो। हाँ अब बोलो। सारी रात मुझे नींद नहीं आई और तुम पूछो कि मैं नाराज क्यों? दरअसल मेरा मूड ऑफ था। क्यों? क्यों? तुमसे मुलाकात नहीं हो सकी, हमने मिलना था, कोई रिस्पांस नहीं था। जाहिर है मुझे फिर अपना फोन को स्विच करना पड़ा और नींद की गोलियां खानी पड़ी मुझे सोने के लिए।
मैं कितना परेशान थी और तुम सो गए। यही है तुम्हारी मोहब्बत? I'm sorry, लेकिन शामिर तुम जानते हो तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं, मेरा जुनून हो, जुनून। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं भी तुम्हें बेपनाह चाहता हूँ। इस वक्त तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है ये मैं नहीं समझ पा रहा। शामिर अम्मी, अब अम्मी को क्या हुआ? मेरे को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे। क्या करेंगे? तो मुझे उनसे मिलने दोगी तो कोई बात करूंगा ना मैं उनसे। अम्मी तुमसे नफरत करती है, वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। शमीर नहीं मिलेंगी वो तुमसे कभी। देखो ये उनके डीलरशिप पे, जब तक मैं उनसे मिलूंगा नहीं उनके दूर नहीं कर सकूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैं उनसे मिलूं, उनके गिले शिकवों को दूर करूं। शमीर मैं नहीं चाहती कि तुम अम्मी से मिलो और तुम्हें बेइज्जत करके घर से बाहर निकालते। ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। तुम्हारी खातिर मैं ये भी बर्दाश्त करूंगा। शामिर से एक वादा करो, हमारे बीच कभी कोई नहीं आएगा, और अगर कोई आया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और खुद को भी। तुम सुन रहे हो ना? नहीं, हरगिज़ नहीं। रिश्तेदारी अपनी जगह, रिवायत और उसूल अपनी जगह। मामा गुल मोहम्मद, चक्कर क्या है साफ साफ बता दो। चक्कर? कैसा चक्कर? अगर शामिर ने शहर में घर बसा लिया है तो हमें बता दो, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं अदा सुलेमान, आप गलत सोच रहे हैं। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। यकीन से कह रही हो परजाई? और क्या, पहले अपने पुत्र से पूछ लो, मालूमात कर लो मामा सही, बाद में शर्मिंदगी ना उठानी पड़ जाए। नहीं, वो अपनी माँ से कुछ नहीं छुपाता। क्यों फातिमा? जी साईं, मेरा बेटा मुझसे कुछ नहीं छुपाता, पहले पूछता है फिर करता है, इजाजत लेता है। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं मामी जिनकी खबर नहीं दी जाती, जिन बातों को छुपाया जाता है। क्या चाहते हो तुम, मैं किस तरह तुम्हें मुतमईन करूं? आगे बढ़, बात कर। बुत बन के खड़ी हुई है, क्यों आई थी हमारे साथ? गुल मोहम्मद, हम तो शादी की तारीख लेने आए हैं। तारीख? परेशान क्यों हो गया था गुल मोहम्मद? शामिर को बुलाओ और पक्की तारीख दो हमें शादी की, और कितना इंतजार करेंगे हम लोग? हम इसीलिए आए थे, समझा करें ना आप मेरी बात, मेरी खातिर अदा। ठीक है, मैं शामिर को बुलाता हूँ फोन करके अभी, और फिर तुम्हारे आऊंगा, आके तारीख पक्की करूंगा। क्या तुम भी तैयार हो जरीना की बारात ले जाने के लिए? जी अदा। नहीं नहीं मामा साईं, पहले नसरीन अपने घर में बस जाए खुशी से, फिर लेकर आऊंगा बारात में। और मैं तो यही हूं ना सादकाबाद में, आपके सामने, दूर थोड़ी हूं मैं, देख रहे हैं ना आप लोग मुझे। ठीक है, आए बैठ के बात कर। बैठे ना, बैठे, चले आए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अच्छा तुम हो शामिर, अकेले आए हो, पेरेंट्स नहीं आए? वो भी आ जाएंगे लेकिन फिलहाल नहीं है। तुम एक
शरीफ घर में एक शरीफ लड़की का रिश्ता लेने आए हो और अपने वालदैन को नहीं लाए। मैं उन्हें जरूर लाऊंगा और आपसे नबीला का हाथ मांगने के लिए। झूठ? पहले सवाल का जवाब ही झूठ। अम्मी प्लीज, आपको जो पूछना शामीर से पूछे, उसके वालदैन से क्या ताल्लुक? क्यों? बहुत गहरा ताल्लुक है। शादी सिर्फ लड़की लड़के का रिश्ता नहीं होती, दो खानदानों का रिश्ता। आपने दुरुस्त फरमाया लेकिन 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 कुछ नहीं, तुम्हारी हिचकिचाहट बता रही है या तो तुम्हारे माँ बाप बेखबर है या फिर इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, मैं उन्हें ले आता हूँ, भरोसा करें मुझे। सवाल भरोसे का नहीं है, एहतियात का है। क्या मतलब? मुझे जमानत चाहिए। कैसी जमानत? बकायदा एग्रीमेंट होगा, लिखत पढ़त होगी कि तुम नबीरा को कभी भी नहीं छोड़ोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी दूसरी शादी नहीं। मंजूर है, मैं हर तरह की डॉक्यूमेंटेशन के लिए तैयार हूं। जैसे आप चाहती हैं बिल्कुल वैसे ही हो, जबान देता हूं। ऑर्डर? ओके देन, तुम्हारे पेरेंट्स का इंतजार करूंगी मैं। मैं बात करूंगा तो सौ हीले बहाने करेगा। तुम बात करो, उसे कहो फौरन पहुंचे। और हाँ, खबरदार, वजह मत बताना, समझी? बात करो। जी सर, मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था अम्मी इतनी कड़ी शर्त रख देंगी। तुमने वादा क्यों कर लिया? कैसे निभाओगे शामीर? नो, इट्स ऑल राइट। उन्होंने जो कुछ भी कहा, एक माँ होने के नाते उनका हक, और हम लोग जुबान पर अपनी जान दे देते हैं, यही रवायत है हमारी। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। एक्सक्यूज मी। हेलो बेटा, मैं हूँ। बेटा तुम जल्दी गांव आ जाओ। खैरियत है मामा? हाँ हाँ बेटा, खैरियत है, लेकिन तुम देर मत लगाना, अभी चल पड़ो। क्यों, आपकी तबीयत खराब है क्या? हाँ बेटा, दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। बाबा कहाँ है? बाबा? आप बीमार हैं और वो आपको डॉक्टर का नहीं दिखाया उन्होंने? अच्छा अच्छा बेटा, तुम आओ तो सही, तुमसे मशवरा करना है। शायद तुम आ जाओ तो मैं ठीक हो जाऊं। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं बेटा। अब माँ, मैं अभी निकल रहा हूँ, मैं अभी अभी आ रहा हूँ, मैं अभी रवाना हो रहा हूँ। अब आप परेशान ना हो, मैं पहुंच रहा हूँ। ओके। क्या हुआ शामिल? अम्मा बहुत परेशान है, अल्लाह खैर करे, शायद बीमार पड़ गई है। बाबा साईं भी पास नहीं, मुझे जाना होगा। अल्लाह खैर करेगा, तुम चले जाओ। और हाँ, अब मैं अम्मा और बाबा को लेकर ही आऊंगा, तुम परेशान मत होना, वादा रहा। यार आंटी का शक दुरुस्त साबित हो रहा है नबीला। कैसे शक? अब तो मम्मी की तरफदारी कर रही हो ना। बी रियलिस्टिक यार,
शामीर अपने गांव गया है, कोई जंग पर थोड़ी ना गया है। और वैसे भी अब टेक्नोलॉजी से इतनी एडवांस हो गई है कि बंदा अगर जंग पर भी जा रहा है तो वो कॉन्टेक्ट में रह सकता है। क्या मतलब? तुम्हारे पास शामीर का लैंडलाइन नंबर है? अगर होता वो नंबर जरूर देता मुझे, उसने नहीं दिया नंबर कोई। फिर वो गायब कहाँ हो गया है? उसका फोन भी ऑफ है। हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो सकता है, मुझे क्या पता। नेटवर्क का प्रॉब्लम पहले तो नहीं था और अब हो गया। हाँ, तुम कैद में हो। लेकिन क्यों? हमें तुम पर एतबार नहीं रहा, कहीं तुम भाग ना जाओ, नाक कट जाएगी हमारी। थोड़े दिन सब्र कर लो बेटा, शादी के बाद चले जाना। अब से कम मुझे मेरा मेरा फोन तो दे दें, मैं ऑफिस से इतला कर दूं। एक दिन का क्या कराया था? इस वक्त कोई ऑफिस नहीं खुला होगा। सुबह अपने मोबाइल से अपने सामने मैं तुम्हारी बात करा दूं। बाबा सही, बस कह दिया मैंने। झूठे दुनिया के सब नाते, झूठी हर परछाई, इश्क है मुर्शद मुबारक, दरवाजा तो देख लेते। सरदार साहब, आप? हाँ शहवार बेगम, मैं सरदार जहांगीर, आपकी दहलीज पर। पहचाना आपने? आपको कैसे भूल सकती हूँ। तशरीफ लाइए, लेकिन हम मेहमान को अपनी औकात के मुताबिक एंटरटेन करते हैं, उसकी हैसियत के मुताबिक नहीं। मेहमान है ना आप हमारे, सिर्फ मेहमान। लेकिन शहवार बेगम, हम आपकी बेटी के बाप भी हैं, ये भी याद है ना आप? क्या अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? आइए आइए, हमारी खुशबख्ती है कि आप तशरीफ लाए हैं, वरना आपकी तरफ से तो हमेशा एक ड्राफ्ट ही आया है। अच्छा, ये अपने फराइज अचानक कैसे याद आ गए आपको? मौका ही अब मिला है। मौका? क्या मतलब मौका? बाबा जानी
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। आओ बैठो 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 बैठो। पूरे एक साल बाद मिल रही हूँ मैं आपसे। मैंने आपको बहुत मिस किया और आपने मुझे बर्थडे विश भी नहीं किया। आई एम श्योर आप भूल गए होंगे, है ना? आई एम सॉरी बेटा, वो दरअसल मसरूफियत थी, इतनी होती है कि क्या करें। कोई बात नहीं, मगर मैंने आपको बहुत मिस किया बाबा जानी, बहुत ज्यादा। इसीलिए तो मैं आ गया हूँ। अब आप प्लीज मेरे लिए कुछ टाइम निकालें, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम मेरे साथ चलो। कहाँ चलूं? कुछ दिन अपने बाबा जानी के पास भी तो गुजारो ना। चलो तैयारी करो, सामान ले लो अपना। अब तुम वहीं रहो हमारी कोठी पर। कोठी में? हाँ, क्योंकि तुम्हारी रुखसती वहीं से होनी है 10 दिन के बाद। क्या? बाबा जानी आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं पुत्र। मैंने तुम्हारी बात तय कर दी है जिंदल खान के बेटे सुंदर खान के साथ। अरे नबीला, इनको इस किस्म के दौरे पहले भी पड़ते रहे? दौरे? ये किस किस्म का दौरा है डॉक्टर? हिस्टेरिक फिट से कन्वर्जन रिएक्शन भी कहा जाता है। डॉक्टर प्लीज आसान लफ्जों में समझाओ। नर्स इंजेक्शन लाओ। नबीला बच्चा। नबीला नर्स जल्दी। नर्स इंजेक्शन लाओ, इंजेक्शन लाओ जल्दी। इन्हें हिस्टेरिया है सरदार साहब। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। शामिर तुम जानते हो तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं, मेरा जुनून हो। जुनून सिर्फ वादा कर, हमारे बीच कभी कोई नहीं आएगा, और अगर कोई आया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और खुद को भी। तुमने कभी नहीं बताया हमारी बेटी ज़हनी मरीज़ा है। पहले थी भी नहीं, आपसे मिलने के बाद हो गई है। लेकिन क्यों? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की जिसका उसके ज़हन पर इतना असर हुआ है। मैंने तो सिर्फ शादी की बात की थी। अभी होश में आ जाएगी ना, खुद पूछ लीजिए। इतनी संग दिल मत बनो शहवार, तुम्हारी भी औलाद है।
I worried. आपको हुक्म देने और मनमाने की आदत है और आपकी बेटी भी बिल्कुल आप पर गई है। क्या मतलब है तुम्हारा? शादी की बात करने से पहले कम से कम एक बार उससे पूछ तो लेते। खुलकर कहो, साफ साफ कहो शहबार। इंसानों और माल मवेशियों में बहुत फर्क होता है, लेकिन आपको तो ये एहसास छूकर भी नहीं गुजरा। कहानियां मत सुनाओ, ये मेरी बात का जवाब नहीं है। तो फिर सुनिए, आपकी बेटी किसी के इश्क में पागल हो रही है, उसका नाम है शामीर। कौन शामीर? जाओ जरीना, सकीना से कहो वो गोटे वाले कपड़े तैयार हुए या नहीं। कल का वादा किया था उसने, अभी तक मैं इंतजार कर रही हूँ। दिन ही कितने रह गए, जाओ। अच्छा मैं अभी देखती हूँ। सलाम अम्मा। वालेकुम सलाम। अरे शामीर बेटा कहाँ जा रहे हो? इधर आओ बैठो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना। अरे बेटा बैठो तो सही ना, बैठो बैठो। ये देखो प्यारा है ना सेट, है ना? और ये तो उससे भी ज्यादा प्यारा है, पता है? ये देखो देखो कितना खूबसूरत है, तुम्हारी दादी ने मुझे दिया था। बहुत अच्छा। मैं अपनी बहू को दूंगी, देखो कितना खूबसूरत है। उस वक्त 9 लाख का बना था, अब तो पता नहीं कितने का हो, है ना? कितनी प्यारी लगेगी वो। अम्मा वो बहुत अच्छा है, आप इसे देखें मुझे। अरे बेटा कुछ देर तो माँ के पास बैठ। आप देखें, मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊं। अच्छा ठीक है। तो ये है तुम्हारे मरस की वजह? उससे मिलकर तो देखे बाबा जानी, शामीर अच्छा लड़का है। सवाल अच्छे बुरे का नहीं है नबीला, बराबरी का है। जी। सरदारों की बेटियां सरदारों और नवाबों के घर ब्याही जाती है और वही खुश रहती है। जी लेकिन बाबा जान, मिस मैच कभी कामयाब नहीं होता। मिस मैच और एडजस्टमेंट में बहुत फर्क होता है बाबा जानी। व्हाट? अगर आप और अम्मी एडजस्ट कर लेते मेरे खातिर, तो मैं सारी जिंदगी बाप की मोहब्बत से महरूम रहती।